ना टिटी तेरी दर्दी की आंख मारू। दोस्तों आज कछुए के साथ साथ सांप भी दिख गया पानी वाला। ये देखो यार हमारे जंगल में बहुत सी चीजें भी। आराम से यार हाथ में मत लगा लियो। यार बेइज्जती तो मत कर। लगा मेरा भाई। क्या खत्म हो गया इसमें? हमने पहले वो कैल्शियम खत्म हो गया भाई। हेलो तो दोस्तों कैसे हो सब, सबको दोपहर की जय श्री राम। दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 बज रहे हैं दोस्तों, और आपका भाई दोस्तों इस वक्त घर पे है। और अब घर से निकल गया दोस्तों, बैग टांग के मैं घर से निकल गया हूँ दोस्तों मुजफ्फरनगर के लिए। और दोस्तों मैं यहाँ, मेरा जो यहाँ आने का कारण था दोस्तों, आपके भाई की फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब की आ चुकी है दोस्तों, पर दिक्कत हो रही है कि दोस्तों अभी वो बैंक में आई नहीं है। मतलब बैंक में आ गई है पर बैंक वाले बोल रहे हैं अभी आई नहीं है। मतलब तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या होने वाला है। मतलब फर्स्ट पेमेंट का भी बहुत तगड़ा लफड़ा रहता है फर्स्ट पेमेंट का यूट्यूब का, तो बहुत ज़्यादा लफड़ा है दोस्तों। अभी देखेंगे, पता भी नहीं है दोस्तों मुझे कितने पैसे आए हैं, क्या हिसाब किताब है, मैं बता दूंगा आपको कि क्या क्या सीन होने वाला है आपके साथ। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं ट्रक पे, सबके सब रेडी हैं। तो सौरभ भाई और मैं जा रहे हैं दोस्तों ट्रक पे, और अभी हमें हरिद्वार जाना है। हरिद्वार से बस पकड़नी है, बस पकड़ के 100 किलोमीटर जाना है। मतलब कितना लंबा रूट होने वाला है, जाते जाते ही थक जाएंगे दोस्तों हम। तो सोएगा ये दोस्तों, बोला मैं सोऊंगा। बैग हटाना यहाँ से, ये देख लो भाई बैग बुक पैक करके। ये बैग बड़ा बैग है दोस्तों। अभी अभी लड़ाई स्टार्ट होगी इसकी और मेरी दोस्तों, बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। अभी भाई मेरे से लड़ने लगे कि मैं नहीं जा रहा। मतलब ये दोस्तों इतना भारी बैग मैं क्यों उठाऊंगा, खुद ही सोचो ना इतना भारी। दोस्तों मैं तो खुद अपने दो कपड़े लेके जाता हूँ, दो जोड़ी कपड़े लेके जाता हूँ ट्रक में भाई। पूरी पैकिंग के साथ चलता हूँ मैं, और ये पूरी पैकिंग के साथ चलते हैं। शादी शादी में बारात में जा रहा हूँ दोस्तों। मतलब फर्स्ट पे दोस्तों अभी हमारा बैंक का काम तो मतलब हो गया है, अधूरा ही हुआ है दोस्तों जो भी हुआ है। तो मतलब फर्स्ट पे हम हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार से अपने घर जाएंगे, मम्मी भाई बहन से मिलेंगे। भाई तो दोस्तों होटल पे है, बहन से मिलेंगे, मम्मी से मिलेंगे, और फिर भाई चल जाएंगे जिस गाड़ी में। दोस्तों घर पे यार देखो मैं रह नहीं पाया, क्योंकि भाई मैं जब भी आता हूँ दोस्तों ऐसी किसी सीन पे आता हूँ, क्योंकि मैं एक दो दिन के लिए आता हूँ, एक दो दिन के लिए आता है दोस्तों आपका भाई। अब आपकी बार जब आऊँगा ना दोस्तों तो 5-7 दिन के लिए आएंगे। अभी मैं दोस्तों ब्लॉग नहीं तोड़ना चाहता, मेरा मतलब अभी मैं काम करना चाहता हूँ अच्छे से। मेरा जो सोच रहा हूँ कि मैं काम करूँ अच्छे से 1.5-2 साल पहले दोस्तों। नेपाली फॉरम यहाँ मिलेगी हमें बस। ठीक है लोंटे, आई लव यू। चल ठीक है मेरे भाई। फाइनली दोस्तों मुजफ्फरनगर की बस में बैठ चुके हैं, और ये जाएगी मुजफ्फरनगर स्पीड में जाएगी। देखो बस स्टैंड है दोस्तों, ये देखो दोस्तों। और फाइनली दोस्तों आपका भाई आ गया है गाड़ी पे अपने ट्रक पे मुजफ्फरनगर। और ये देखो ये अपना टाइगर खड़ा है दोस्तों। और भाई ये पकड़ बैग, बैग पकड़ियो भाई। और दोस्तों अभी लाया हूँ, देखो दोस्तों मैं क्या लाया हूँ, ये देखो। ये दोस्तों कूलेंट है, 1600 रुपये का एक कैन है, और कितने लीटर का होगा दोस्तों ये? 5 लीटर का कैन है दोस्तों, ये 2 कैन है 10 लीटर। मतलब अभी इसमें पानी नहीं है, कूलेंट खाली कर दिया, मतलब रेडिएटर एकदम खाली पड़ा है। मैं पहले कूलेंट डालता हूँ दोस्तों, फिर पिनों में ग्रीस कराऊंगा, और एक बाल्टी ग्रीस भरूंगा। एक बाल्टी ग्रीस भरने के बाद दोस्तों मतलब काम ही काम है अभी मेरे को। पहले डालते हैं कूलेंट, उसके बाद करवाते हैं पिनों में ग्रीस, और फिर एक बाल्टी ग्रीस भर के, और फिर दोस्तों डीजल फुल टैंक कराएंगे, और देखेंगे कितने का डीजल आएगा आपकी आपके भाई की गाड़ी में। और इस बार दोस्तों किलोमीटर नोट करेंगे, और एवरेज निकालते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं काम पर लगता हूँ दोस्तों। कलर फिलर ये देखो दोस्तों, होली खेली आई है अभी, मीठा मीठा लग रहा है यार ये। और दोस्तों ये है कूलेंट, ये करता है गाड़ी के इंजन को ठंडा। वैसे इसका काम रियल काम पता क्या होता है दोस्तों, इसका जो रियल इसका काम होता है दोस्तों रियल की इंजन के अंदर जर नहीं लगने देता, ये काम होता है कूलेंट का। बाकी बोलने के लिए कुछ भी बोल दो दोस्तों। कूलेंट डाल दिया है, हो गया, अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गाड़ी स्टार्ट, अब देखते हैं क्या क्या सीन रहता है। गया वो अंदर, गया दोस्तों काम कंप्लीट, और निकलते हैं दोस्तों। अभी तो टायर करवाने हैं यार दोस्तों, एक टायर गलत खा रही है गाड़ी, मतलब टायर कराने हैं दोस्तों ट्रॉली के।
पहले मैं पानी लगवाने जाऊंगा 200 गाड़ी पे, उसके बाद देखते हैं क्या हूँ। अब यार बहुत गंदी हो रही है 200 गाड़ी, बहुत ज्यादा धूल ही धूल है गाड़ी के अंदर पूरी। ठीक है दोस्तों चलते हैं फिर, गाड़ी लेके पार्किंग से बाहर निकालते हैं। और ग्रीस भी करा लिया दोस्तों पिनों में, वो चले गए अंकल पिन ग्रीस करके, उन्होंने लिए 200 रुपए लेते हैं पिनों में ग्रीस करने के, और कूलेंट डाल दिया। अब देखते हैं क्या क्या होने वाला है, और टंकी फुल कराएंगे दोस्तों, मीटर बिल्कुल न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है दोस्तों चलते हैं, पहले टायर का काम कराते हैं उसके बाद मिलता हूँ मैं। अभी देखेंगे पसीना के बाद आराम से यहाँ हाथ में मत लगा लियो। ये बस बढ़ लिया तेरा पहलवान ने पकड़, इसे ले जा, पता हो लिया क्या खत्म, समझ गया यार बेइज्जती तो मत कर। क्या खत्म हो गया इसमें? हमने पहले बोला कैल्शियम खत्म हो गया भैया, अगर मैं उठा लिया हो इसको, पहले बोला था रॉड बड़ी लगा ले। अच्छा अबे नाल में ना घुस जाइयो, नाल में नहीं तो पेट में चढ़वा रहा। और अभी अभी तो टायर मैंने मारा भी तेरे भी उठे लगाने नहीं पड़ेगी बड़ी भाई। मैं पहले से ना हाल है पसीना देख रहा हूं मैं, पड़ जाते हैं चलो। अब देखिए कितना प्यार प्यार और मोहब्बत वाला काम होना चाहिए, यूं नहीं हार्ड वर्क वाला करो। बेइज्जती करने के लिए नहीं बोल रहा, जैसे काम चल रहा है दोस्तों। ये देखो आदिल भाई पूरी स्पीड में टायर चढ़ाए जा रहे हैं। निकल रहे हैं दोस्तों हम रूट पे, आपको भाई दोस्तों रूट पे निकल रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाई जय श्री राम से, क्योंकि भाई बहुत लंबा सफर होने वाला है। शायद दोस्तों एक दिन आपके भाई का मोबाइल भी ऑफ हो जाए, क्योंकि अदर कंट्री में दोस्तों हमारे इधर के सिम नहीं चलते। तो हम अदर कंट्री में चल जाएंगे ना दोस्तों, तो हमारे इधर के सिम नहीं चलेंगे। अभी दोस्तों हम निकलेंगे, पहले कराएंगे डीजल टंकी फुल और यूरिया टंकी फुल कराएंगे, मतलब दो टंकी फुल होने वाली है दोस्तों अभी हमारी। पहले यूरिया कराएंगे उसके बाद डीजल कराएंगे, क्योंकि यूरिया तो हमें टाटा मोटर्स में मिल जाएगा, डीजल हम लेंगे दोस्तों रिलायंस के पंप पे, और रिलायंस में फुल टैंक करा के दोस्तों मीटर कर देंगे न्यूट्रल। सारे काम कराए मतलब टायर ट्यूर करा के एकदम ओके हो गया है, मतलब अब सिर्फ चलना है दोस्तों। और दोस्तों कल को मैं आपको लोकेशन बता दूंगा अपनी कि मैं कहाँ हूँ, और दूसरी बात दोस्तों खर्चे का ब्लॉग भी आपको परसों मिल जाएगा, परसों आपको खर्चे का ब्लॉग मिल जाएगा, जो रूट मार के आया हूँ मैं। ठीक है दोस्तों ये वाला रूट मैंने कैसे मारा मैं बताता हूँ कैसे मारा दोस्तों। ये रूट मैंने सोनी वो पानीपत से भरा था दोस्तों माल बाराबंकी का, और फिर बाराबंकी से माल भरा मैंने कहाँ का दोस्तों, ये तुम्हारा गुवाहाटी गालबारा रोड का, आसाम मतलब आसाम गुवाहाटी गालबारा रोड, और उसके बाद खाली आया दोस्तों मैं मक्का भरने बिहार, और बिहार से लेके दोस्तों मैं गाड़ी लेके गया, बिहार से मैं गाड़ी लेके गया सीधा बरवाला। ठीक है दोस्तों बरवाला लेके गया मैं खाली गाड़ी। ठीक है दोस्तों आगे मिलता हूँ मैं। दोस्तों यूरिया की मशीन पे आ गए हैं और कराते हैं यूरिया फुल, और बताता हूँ कितने का आता है दोस्तों यूरिया। दोस्तों यूरिया फुल, ये दोस्तों यूरिया आ गया 238 लीटर। यूरिया भी टंकी फुल करा लिया, और दोस्तों आपके भाई की यूरिया की टंकी हुई है 38 लीटर आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों 38 लीटर, और बिल बना था दोस्तों 2555 का, मतलब 2555 रुपए का बिल बना था, 66 रुपए मतलब 66 रुपए आया दोस्तों यहाँ यूरिया। और दोस्तों यूरिया के फायदे मैंने आपको पहले ही बताए थे कि भाई यूरिया के क्या फायदे हैं दोस्तों। गाड़ी खिंचाई करती है बढ़िया, डीजल कम खाती है, प्लस धुआं नहीं देती गाड़ी, गाड़ी को मतलब चलाने में ऐसा फील होता है कि आप कार चला रहे हो। बिना यूरिया के भी करवा लेते हैं दोस्तों गाड़ी, कुछ मालिक लोग होते हैं दोस्तों यूरिया की टंकी हटवा देते हैं। ये क्या हो गया, मतलब कुछ दोस्तों मालिक होते हैं यूरिया की टंकी हटवा देते हैं कि हमारा गाड़ी यूरिया के पैसे बचाएगी, तो बाकी वो उनकी मर्जी है और हमारी अपनी मर्जी है। गाड़ी लेके हम निकले मुजफ्फरनगर से तुरंत
गियर में दिक्कत आ गई दोस्तों, आठवां गियर नहीं पकड़ेगा गाड़ी, देखो आठवां गियर ही नहीं पकड़ रही गाड़ी। घुमाते हैं दोस्तों फिर से टाटा मोटर्स चलते हैं, अभी जस्ट अभी निकले थे मुजफ्फरनगर से, देखते हैं क्या हो गया। टिटी तेरी दादी की आंख मारू, अरे घुमा दे दोस्तों पूरा यू टर्न ले लिया आप दवाई ने गाड़ी का, अब सीधा कॉमर्शियल टाटा मोटर्स से चलते हैं यार, अभी तो चला वहां से दोस्तों मैं गाड़ी देखी, बस हम मैं चले गए थे ना दोस्तों मिस्त्री ने छेड़ी होगी गाड़ी यार, तभी हुआ है। ठीक है दोस्तों वही मिलता हूँ मैं आपको। भाई देखो लीवर सेटिंग चल रही है यार दोस्तों, और भाई देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, मेरे हाथ काले पसीने में तर तर, ऐसे मेहनती बंदों की जरूरत है। देखो ये दिखाना दिखाइयो, अरे भैया देखो मेहनत, फेमस मुझे हैशटैग मेहनत भाई, बहुत मेहनत है भाई, मुजफ्फरनगर में आ जाओ जिसमें मेहनत करनी है। दोस्तों अभी गाड़ी घुमा के लाए थे, काम हो गया ओके, मतलब लीवर में गेट लग रहा है देखो, अब ये पूरा आठ गेट लग रहे हैं अब दोस्तों, आठवां गेट नहीं लग रहा था, मतलब लास्ट गेट नहीं लग रहा था और सेकंड लास्ट गेट नहीं लग रहा था, मतलब सारे गेट लग रहे हैं। दो बत्ती कर लिया दोस्तों, अभी जा रहे हैं हम पेट्रोल पंप पे पहुंचेंगे, वहीं जाके तेल लेंगे, काम एकदम ओके ओके, मतलब काम एकदम ओके हो गया है, बस हमें भगवान ने यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि हमें खीर खानी थी, और मेरे को खानी थी दोस्तों खीर वाकई में, और दोस्तों कौन कौन खीर खाएगा अपने भाई के साथ। दोस्तों मुझे होटल की खीर बहुत बढ़िया लगती है, आई लव दिस खीर। ठीक है दोस्तों चलते हैं, पहले गाड़ी लगे फिर खाते खाते चले, बहुत लंबा सफर है अभी। सतनाम वाहेगुरु, जय श्री राम दोस्तों। चलते दोस्तों, आपका भाई पहुंचने वाला है रिलायंस पेट्रोल पंप पे, जस्ट 200 मीटर पे है अपना पेट्रोल पंप, रिलायंस पेट्रोल पंप पे आपका स्वागत है। अरे यार दोस्तों पीछे हॉर्न देने वाले यार परेशान कर देते हैं यार, क्या करें, करे तो करे क्या दोस्तों। रिलायंस के पंप पे तेल भराएंगे पूरी टंकी, मीटर कर देंगे एकदम न्यूट्रल, सब चीज में आपको दिखाने वाला हूँ, और दोस्तों हम निकालेंगे एवरेज। तो तेल चालू, फुल टंकी होगी आपके भाई की गाड़ी की, ये देखो, और दोस्तों ये देखो कितने का आ गया तेल, 27,400 और 308 लीटर। ठीक है दोस्तों डीजल टंकी करते हैं बंद, ये लगता है ढक्कन, ठीक है ओके, मीटर न्यूट्रल कर लिया, और दोस्तों आपका भाई निकल गया है रोड पे, आप समझो मैं रोड पे बिल्कुल निकल ही गया हूँ, अब मेरे को रोकना नहीं है, बस चलना ही चलना है, सब काम ओके है भगवान की दुआ से, बस अब चलना ही चलना है, बहुत लंबा रूट है और नींद आ रही है यार दोस्तों, आज थक गया हूँ यार दोस्तों, यार सुबह से इतना काम किया है ना, बस हालत बुरी है दोस्तों, और दोस्तों यार मेरे को ना दुख बहुत तगड़ा है कि भाई मेरी फर्स्ट पेमेंट आई है और वो अटकी पड़ी है दोस्तों, ये नहीं पता कितनी आई है, मैं बता दूंगा आपको जब आएगी, मैं आपको अंदाजा बता दूंगा कि मेरी इतनी पेमेंट आई है दोस्तों, पर ये तो देखो कि भाई पहली पेमेंट आई है वो फंसी पड़ी है, कोई बता ही नहीं रहा है दोस्तों मुझे कि करना क्या चाहिए, क्या करेगा दोस्तों आप। ठीक है दोस्तों आज का ब्लॉग दोस्तों यही पेट्रोल पंप पे एंड करते हैं, और कल को नेशनल हाईवे में मिलते हैं, क्योंकि अभी तो गड्ढे ही गड्ढे में चलना है, रात भी होगी क्या दिखाऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड नाइट, सब अपना ध्यान रखो और ब्लॉग पूरे देखो, और डीप नॉलेज लो दोस्तों, डीप नॉलेज जरूर लो क्योंकि भाई आपको इस काम में घुसना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।